हाय, इस वीडियो में मैं आपको रेरा के बारे में बताने वाला हूँ। दिल्ली में रेरा के लिए कुछ क्लैरिटी आई है, वो क्या क्लैरिटी है वो आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो दिल्ली का लैंड पूलिंग है उसमें भी कुछ क्लैरिटी आई है। जो लैंड पूलिंग के तहत बहुत सारे बुकिंग्स हुए थे उसमें कुछ रेरा ने क्लैरिटी दिया है, तो इस वीडियो में उन टॉपिक्स पर बात करेंगे और उस पर क्लैरिटी लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने गुरु जी से मिलवाया था और अपने बड़े भाई से मिलवाया था जिनका नाम प्रदीप मिश्रा है। अक्सर आपने उनको न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। पिछले 8-10 साल से वो जितने भी प्रॉपर्टी के शोज आते हैं, आज तक जी बिजनेस, CNBC, आवाज़, इन सारे चैनल्स पे वो लाइव शोज में आते हैं। ये जो क्लैरिटी आई है रेरा और लैंड पूलिंग की रेरा अथॉरिटी से, तो उसके बारे में हम प्रदीप मिश्रा जी से जानेंगे। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। प्रदीप जी, हाय। हाय प्रदीप। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी प्लॉट से रिलेटेड, वो लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने बोला कि अब मैं ऐसे वीडियोस भी बनाऊं, तो अब आप परमानेंटली आने वाले और मैं बार बार आपको तंग करने वाला हूं और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी बनाने वाला हूं जो रियल स्टेट से रिलेटेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि जो दिल्ली है वहां पे जो रेरा में कुछ क्लैरिटी आया है, राइट, और लैंड पूलिंग में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आया है। तो हम रेरा और लैंड पूलिंग में जो भी क्लैरिटी आई है, ये एक्ट में पहले से ही था बट इसमें कुछ क्लैरिटी दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या दिया है और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले सेक्शन में हम रेरा के बारे में जानेंगे दिल्ली में, और सेकंड सेक्शन में हम लैंड पूलिंग में जो क्लैरिटी आई है उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो रेरा में क्या क्लैरिटी आई है प्रदीप जी? देखिए प्रखर, रेरा एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जी, जो कि यूनियन टेरिटरीज में जब एक्ट बना तब उसी टाइम से वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है। स्टेट को कुछ मॉडिफिकेशंस करना अलाउ था जी, तो स्टेट्स ने उसने कुछ चेंजेस किए, उसके बाद करीब करीब सभी स्टेट्स ने उसे एप्लीकेबल भी कर दिया है जी। तो अभी यूनियन टेरिटरी में स्पेशली रेरा दिल्ली की अगर हम बात करें, तो रेरा दिल्ली ने कुछ क्लैरिटीज, कुछ कंफ्यूजन्स को और क्लियर किया। ऐसा नहीं है एक्ट बनाया, ये कंफ्यूजन्स को कुछ क्लियर किया। एक यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अब जैसे आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब वो रेरा एक्ट लाई थी तो क्योंकि यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो डायरेक्टली रेरा एप्लीकेबल हो गया था वहाँ पे, और स्टेट्स ने अपने हिसाब से रेरा में अमेंडमेंट्स किए। तो ये जो क्लैरिटी आई है ये स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है या दिल्ली की जो रेरा है वो लेकर आई है? कौन लेकर आया? रेरा दिल्ली लेकर आई है, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से है। ओके। अब जो दिल्ली में रेरा आया है पहले से ही रेरा था जब एप्लीकेबल हुआ था 2016 वाला, तो उसके बाद से क्या यहाँ पे कोई भी डेवलपर जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को बना के प्रमोट या सेल कर सकता है, कर क्या सकता है या क्या नहीं कर सकता है? देखो प्रखर, यहाँ पे जो क्लैरिटी आई है वो आई है कि रेरा को बहुत ज्यादा लोग अवॉइड कर रहे थे, तो वो अवॉइड जो कर रहे थे रेरा रजिस्ट्रेशन को, कहाँ कहाँ रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किसको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के दायरे में रखा जाएगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जैसे 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 500 से एक होते ही आपको रेरा में रजिस्टर करना है, तो इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई है। अगर हम प्रोग्राम में और क्लैरिटी कैसे कैसे आई है इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे लिसनर्स हैं उनको और समझ में आएगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसके बाद हम लोग लैंड पूलिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि लैंड पूलिंग को लेके क्या क्लैरिटी आई है। तो प्रदीप जी, अभी जो क्लैरिटी आई है दिल्ली रेरा से, बिल्कुल ठीक है, वो किन किन चीजों पर आई है? देखो प्रखर, यहाँ पर होम बायर्स, कमर्शियल स्पेस और प्लॉट बायर्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, कौन होम बायर है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, प्लॉट जो ग्लोबलाइजिंग हो रही है वो इसके अंदर आएगी नहीं आएगी, इन सब चीजों को लेकर क्लैरिटी है। जैसे बहुत सारे लोग रेरा को अवॉइड कर रहे थे, प्रोजेक्ट भी बन रहा है लेकिन वो रेरा को अवॉइड कर रहे थे, ये भी क्लियर नहीं था कि वो प्रोजेक्ट है या नहीं, या 500 स्क्वायर मीटर की जो कंडीशन है, 501 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो वो रजिस्टर होगा या नहीं होगा, कम है तो होगा नहीं होगा, इनको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो उसको क्लैरिटी के साथ और डिस्क्राइब किया गया है। एक्ट में कोई चेंज नहीं है, एक्ट एज इट इज है, पब्लिक को थोड़ी क्लैरिटी दी गई है इसके अंदर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक को और जागरूक किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके। तो क्या कोई भी प्रमोटर या डेवलपर बिना रेरा में रजिस्टर कराए हुए प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकता है? देखिए डॉक्टर, कोई भी प्रमोटर यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी को मार्केट, बुक, सेल, ऑफर ऑफ सेल, इनवाइट पर्सन टू परचेज, किसी भी तरह से जिसमें प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग जहाँ रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है वो नहीं कर सकता। मतलब रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के दायरे में आता है। तो
कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल स्टेट के दायरे में आते हैं और उनको क्या रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है या नहीं है? देखिए प्रखर, अगर प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, या नंबर ऑफ अपार्टमेंट, उसे आप ब्लॉक कह लीजिए, चैम्बर, ड्वेलिंग यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, प्रीमाइसेस यूनिट, कुछ भी आप कह लीजिए, अगर वो नंबर 8 से ज्यादा है तो वो रेरा के दायरे में आएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब मैं ये कहूँ से कि अगर वो डिफरेंट फेजेस में है तो एक फेज को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी माना जाएगा। कुछ एग्जांपल देकर बताइए, ये आपने जो बताया ना वो थोड़ा हाई फंडा था, कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए जो नॉर्मली जो नॉर्मल व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाए, एग्जांपल्स बताइए। देखिए प्रखर, अगर 6 फ्लैट्स हैं, 2 फ्लोर है, 4 शोरूम है और वो 501 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो उसमें रेरा के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ कि मान लीजिए 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उसके अंदर 9 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जी, तो वहां पर भी रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ अपार्टमेंट जैसे ही 8 से ज्यादा हुए वहां पर आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, वो चाहे कमर्शियल है या चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो रेरा उसके लिए मैंडेटरी है जी। ऐसे प्रॉपर्टीज को बिना रेरा में रजिस्टर कराए हुए सेल परचेज अलाउड नहीं है? बिल्कुल किसी भी तरह से सेल परचेज अलाउड नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी जब बाय करने के लिए निकल रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन मांगना है। रेरा रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है वो आपको समझना है, और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको डेवलपर, प्रमोटर, बिल्डर कोई भी प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको रेरा अथॉरिटी से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। डेवलपर से सर्टिफिकेट मांग के आप उसे इजीली अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा प्रदीप जी, आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है जहां पे प्रमोटर या डेवलपर है या बिल्डर जो है वो रेरा रजिस्ट्रेशन अवॉइड कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं जब ये इतनी बड़ी लॉ जो है रेरा के लिए, जो होम बायर्स के लिए बनी है या जो खरीदार के लिए बनी है, वो 2016 में एप्लीकेबल हो गई थी और आज हम 2022 में, तो आज के डेट पे भी बिल्डर्स इसको नहीं मान रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा ग्रुप हाउसिंग या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी दिल्ली के अंदर नए मास्टर प्लान में नहीं आए, क्योंकि अभी मास्टर प्लान पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। अभी लैंड पूलिंग चल रही है, उसके बाद डेवलप लैंड शेयर लैंड ओनर को अलॉट होगा, तो अभी वो पूरा जो आउटस्कर्ट है वहां अभी डेवलपमेंट चल रही है जी। जो डीडी द्वारा अलॉटेड है या थोड़े अप्रूवल्स के साथ में बिल्डिंग बन रही है या फिर प्लॉटेड कॉलोनी के ऊपर फ्लोर बन रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे तो बसी हुई दिल्ली है, वहां प्लॉट्स कटे हुए थे पहले, क्लोनाइजिंग हुई थी तो उस पे लोग रह रहे थे, अब रीडेवलपमेंट होती है या फिर प्लॉट्स के ऊपर लोग तोड़ के फ्लोर बनाते हैं। जब फ्लोर बनता है और उसमें सेलिंग उसका पार्ट है जी और वो 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो वहां रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन यहां पर ऐसा बहुत देखा गया है कि जीएसटी को भी सेव करने के लिए और रेरा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो जीएसटी और रेरा रजिस्ट्रेशन को सेव करने के लिए कई बार ट्रांजेक्शन लोग कर लेते हैं लेकिन उसे कैंसिल करके फिर दूसरे नाम से वो ट्रांजेक्शन करते हैं, वो पूरी तरह से इलीगल है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब रेरा सख्त हो चुका है, अब आपकी इन सब गलतियों का रेरा अथॉरिटी को ऑलरेडी पता है, तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिए। अगर डेवलपर हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप बायर हैं और आप प्रोजेक्ट में बाय कर रहे हैं तो जिस प्रॉपर्टी का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसको उस कंडीशन में आना चाहिए तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल मत लीजिए, इवन आप जाके अथॉरिटी में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ओके अब मुझे एक चीज बताइए प्रदीप जी, जैसे गवर्नमेंट के मास्टर प्लान्स होते हैं तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट के मास्टर प्लान के बाउंड्री या उसके दायरे से बाहर है बन रहा है, उन प्रोजेक्ट्स को भी क्या रेरा रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करवाने की जरूरत है? देखिए प्रखर, अगर प्लानिंग एरिया से बाहर है और वो प्रॉपर्टी रिक्विजिट जो भी अप्रूवल्स है लोकल अथॉरिटी की उससे लेके वो बनाया गया है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रेरा के अंदर आ सकते हैं। अगर अथॉरिटी वहां पे कहती है कि आप उसको रेरा में रजिस्टर कराइए तो उस प्रॉपर्टी को रेरा के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन वो एप्लीकेबल होगा स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जब स्टेज रजिस्ट्रेशन होगा उसी के बाद से वो रेरा के अंदर एप्लीकेबल होगा। ओके कहां कहां पे या किन किन प्रोजेक्ट्स में रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है आज के डेट में? देखिए प्रखर, ऐसा प्रोजेक्ट जो 500 स्क्वायर मीटर या उसके ऊपर है
वही जरूरत है, जो उससे नीचे है वहां रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर डेवलपर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है प्रायर टू कमिसमेंट ऑफ एक्ट से पहले अगर है तो उस समय भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। या नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स अगर 8 से कम है तो भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी रेनोवेशन रिपेयर रीडेवलपमेंट जहां पर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सेलिंग अलाउड नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग प्लॉट अपार्टमेंट किसी भी टाइप की चीज में, तो उसको भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो अगर आप देखें तो हर स्टेज ईच प्रोजेक्ट के हिसाब से स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट काउंट होगा। और मुझे एक चीज और बताइए, अब मान लीजिए कोई डेवलपर चाहता है, एक चीज और यहाँ पर जी, कि जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होगा हर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन अलग से कराने की जरूरत है। ओके, इस पे भी आते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है प्रदीप जी की, अगर मान लीजिए कि कोई एक डेवलपर है और प्रमोटर है और वो सेल नहीं कर रहा है या कोई मार्केटिंग की एक्टिविटी नहीं कर रहा है और वो 9 फ्लोर का या 9 अलग अलग यूनिट्स के अपार्टमेंट बना रहा है और वो 500 मीटर से बड़ा उसका प्लॉट साइज है, लेकिन वो कंप्लीट करने के बाद बेच रहा है, बट जब वो कंप्लीट कर रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है तब वो रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, लेकिन कंप्लीट करने के बाद जब उसके पास ओसी आ गया तब वो मार्केटिंग कर रहा है और तब वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसको भी रेरा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? देखिए, प्रोजेक्ट अगर कंप्लीशन ले लिया है आपने और कंप्लीशन से पहले आपने उसकी मार्केटिंग नहीं की है तो आप रेरा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के ऊपर रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है प्रदीप जी, इसमें मान लीजिए कि 9 फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली से है और उनके पास जो प्लॉट है वो 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा प्लॉट है, बिल्कुल ठीक है, और उनको ना बेचना है ना खरीदना है कुछ, एक ही फैमिली है जिसमें 9 अलग अलग फैमिली मेंबर्स है, उनको अपने लिए ही बनाना है, ठीक है, तो क्या उनको भी इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी? देखिए प्रखर, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि यहाँ पर किसी भी टाइप की अगर एडवर्टाइजिंग सेलिंग मार्केटिंग नहीं है, आप नए लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हो और आप एक प्लॉट के ऊपर एक सिंगल फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, वो मिलकर उसके ऊपर फ्लोर्स बना रहे हैं और यहाँ पर किसी भी टाइप की सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी पे एक और भी चीज ऐड करूंगा, मान लीजिए कि 9 फैमिली मेंबर है, प्रोजेक्ट भी बन गया, फ्लैट भी सारे बन गए 9 यूनिट वाले, ठीक है, और बनने के बाद उसमें से 3 फैमिली मेंबर आए एक साल के बाद या 6 महीने के बाद और उसके बाद अब वो बेचने वाले हैं, तो क्या उस टाइम पे उसको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी या वहां पे भी रेरा रजिस्ट्रेशन को वो स्किप कर देंगे? तो फिर यहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आया हुआ है उसके बाद 1 साल 2 साल 5 साल के बाद कितना भी आप उसे अगर सेल कर रहे हैं तो वहां पे सेकेंडरी मार्केट में आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर रहे हैं। ओके, सो ये डिफरेंट फेजेस क्या है, फेज 1 फेज 2 हर फेज को क्या हमें रजिस्टर करना पड़ेगा रेरा में? बिल्कुल प्रखर, जितने फेजेस हैं आपको हर फेज को एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट माना जाएगा और सबको आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है अगर वो क्वांटिफाई या क्वालिफाई करते हैं उस पैरामीटर में जो रेरा के हिसाब से। जैसा हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके अंदर फॉल करते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट, तो अगर वो फॉल कर रहे हैं तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट इतना जागरूकता फैला रही है कि रेरा में रजिस्टर करो अपने प्रोजेक्ट्स को, तब भी कुछ ऐसे प्रमोटर या डेवलपर हैं जो रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, डेवलपर के ऊपर कोई एक्शन होगा क्या होगा? प्रखर बिल्कुल एक्शन होगा, सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट की अगर हम बात करें तो डेवलपर वहां पर एक्शन के लिए लायबल है, अथॉरिटी उस पर बिल्कुल सेक्शन 59 के तहत एक्शन ले सकती है। अब प्रदीप जी ये बताइए कि अगर डेवलपर के ऊपर पेनल्टी लगा दिया रेरा ने फिर भी डेवलपर नहीं मान रहा है, बहुत ढीठ डेवलपर है और वो नहीं मान रहा है कि नहीं फिर भी वो वायलेशन पे वायलेशन किए जा रहा है, तो क्या सिर्फ पेनल्टी लगाते रहेंगे उसके ऊपर और वो पेनल्टी एक तरफ इकट्ठा होता रहेगा या कोई और भी प्रोविजन है? देखिए प्रखर, जो पेनल्टी है वो 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी है, अगर डेवलपर उसको भी नहीं मानता है तो अप टू 3 ईयर्स की जेल इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। अच्छा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों हो, तो वो रेरा अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है कि उसे डेवलपर कोई अगर मान रहा है, जो उसको ऑर्डर पास हुआ अगर उसे वो कम्प्लाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अथॉरिटी के पास वो पावर्स हैं कि दोनों कंडीशन पे, मतलब 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस अप टू 3 ईयर्स की जेल, ये दोनों प्रोविजंस रेरा के पास हैं, वो भी हो सकते हैं।
अब ये तो जो मैंने आपसे पूछा, ये सब मैंने डेवलपर और प्रमोटर के लिए पूछा, क्या एज अ बायर, बायर भी काफी बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होते हैं और बायर झांसे में आ जाते हैं खरीदने के लिए विदाउट रेरा, तो क्या बायर्स को बिना रेरा रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स को जाकर खरीदना चाहिए या क्या करना चाहिए? और कई बार आपने जैसे बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स है जो रेरा में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो बायर कैसे पता करे कि ये रेरा में क्वालिफाई कर रहा है या ये नहीं कर रहा है? देखिए, हमने अपने प्रोग्राम में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, बताया है कंडीशंस आपको, आप इसको ध्यान से देखें, नोट करें, अगर कंडीशंस में फॉल कर रहा है तो रेरा मैंडेटरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट बुकिंग ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल कोई भी अगर आप कर रहे हैं और वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज 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 आप रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही लीजिए, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आप बिल्कुल मत लीजिए। तो सिंपल तरीका इसका ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी आपको बेचने आए तो सबसे पहले आप ये आंख बंद करके पूछिए, मतलब सबसे पहले आप ये गांठ बांध लीजिए और पूछिए कि इसका रेरा नंबर क्या है। बिल्कुल, खरीदने से पहले आपको रेरा चेक करना है और जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उनको बेचने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी, दोनों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेरा में अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करके ही प्रॉपर्टी को सेल करें या बायर एज अ प्रॉपर्टी बाय करें। थैंक यू, ये तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था प्रदीप जी। अब हम आते हैं लैंड पूलिंग के ऊपर। मैंने ये देखा कि बहुत सारे डेवलपर और प्रमोटर हैं, उन्होंने सोसाइटीज बनाकर और अलग अलग बॉडीज बनाकर बुकिंग ले लिया है होम बायर से, और बहुत सारे लोगों ने, छोटे मोटे नहीं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने लैंड पूलिंग में जाकर ऐसे सोसाइटीज में जाकर बुक भी कर दिया, पैसा भी दे दिया है, किसी के छोटे अमाउंट फंसे हुए हैं, किसी के बहुत बड़े अमाउंट फंसे हुए हैं, तो ये क्या वैलिड है या ये भी वायलेशन है? देखिए प्रखर, ये देखा गया है कि बहुत सारी सोसाइटीज, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आती है जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंदर आते हैं जी, कंपनीज रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है जी, ट्रस्ट फॉर्म की गई जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर आती है, उन्होंने मार्केट से मनी कलेक्ट करी, बहुत सारी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मार्केट से मनी कलेक्ट करी और फ्लैट अपार्टमेंट अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी जो मास्टर प्लान 2021 के तहत है उसके तहत लोगों को ऑफर किया। ये कंप्लीटली गलत है, जब तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन, तब तक एज अ बायर आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, और रेरा रजिस्ट्रेशन तो तब आएगा जब डीडीए, क्योंकि लैंड पूलिंग के अंदर डीडी लैंड पूलिंग एजेंसी है, जब डीडीए लैंड पूलिंग की पॉलिसी के तहत लैंड डेवलप्ड लैंड का शेयर लैंड ओनर को वापस करेगी और उसके बाद सारी अप्रूवल जो नेसेसरी अप्रूवल लेने के बाद फिर डेवलपर या प्रमोटर बिल्डर कोई भी वो उसके बाद रेरा अथॉरिटी के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराएगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इससे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि ये इन नामों पे बहुत बड़ा एक खेल हुआ है, बहुत बड़ा गबन हुआ है, बहुत सारे लोगों को ठगा गया है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अब मुझे ये बताइए प्रदीप जी, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वहाँ पे लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट्स भेजे कि देखो सोसाइटी तो रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट का उसमें स्टैंप है सोसाइटी रजिस्टर्ड है और वो लैंड पूलिंग कर रही, हमने वहां पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, हमें ये सर्टिफिकेट दिखाया था, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा या रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा? सब पल्ला किसका भारी होगा, रेरा का या सोसाइटी वाले का? देखिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके लिए रेरा अथॉरिटी स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई है, तो रेरा अथॉरिटी ही उसको रजिस्ट्रेशन करेगी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, रेरा अथॉरिटी में प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई आपसे फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंग ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी को आपको सेल कर रहा है, सेल करते टाइम रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इस नाम पे ऑलरेडी बहुत बड़ा गबन हो चुका है, बहुत लोग फंस चुके हैं इसके अंदर और अभी भी लोग फंस रहे हैं, तो ऐसे होम बायर्स जो दिल्ली के अंदर अपना घर देख रहे हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अभी अपार्टमेंट ऑफर होने की स्टेज नहीं आई है, जब वो स्टेज आएगी तो रेरा अथॉरिटी उसमें रजिस्ट्रेशन देना शुरू भी करेगी, तो उससे पहले ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रदीप जी, अभी रिसेंटली बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी देखे मैंने लैंड पूलिंग के ऊपर, तो क्या लैंड पूलिंग अप्रूव हो गया दिल्ली में या अभी भी अप्रूवल के स्टेज में ही है? देखिए प्रखर, अभी भी अप्रूवल की स्टेज में है और टाइम टू टाइम डीडीए, जैसे मैंने बताया डीडी लैंड पूलिंग एजेंसी है जी, वो पब्लिक नोटिस के तहत लोगों को अवेयर भी कर रही है
कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो लैंड पूलिंग के नाम पे अपार्टमेंट बिल्डिंग शॉप ऑफिस स्पेस फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं वो कम्प्लीटली इलीगल है। अभी आपको ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है। ओके अब प्रदीप जी, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके के, और आपको पता ही है कि इंडिया में सब कुछ बिक जाता है, अच्छा बुरा नया पुराना सब, लेकिन कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गया है आज के डेट पे, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या रेरा को अप्रोच कर सकता है और कैसे कर सकता है? अगर आप स्टेट के अंदर है या यूनियन टेरिटरी में है तो आपको अपने एरिया में रेरा अथॉरिटी में जाना है, वहां जाके आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है। देखिए आप अपनी कंप्लेंट खुद फाइल कर सकते हैं या किसी एडवोकेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो गई है, बहुत आसान तरीका हो गया है। आपको अगर दिक्कत आ रही है डेवलपर की तरफ से तो आपको इमिडिएटली जाके रेरा अथॉरिटी में कंप्लेंट करना है, वहां पे बहुत कम समय में सॉल्यूशन अच्छे जजमेंट्स आए हैं, इससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत भी मिली है। तो आपको कंप्लेंट करने से पहले रुकना नहीं है, और किसी भी टाइप की अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है डेवलपर से या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको दिक्कत आ रही है तो आपको बिल्कुल रेरा अथॉरिटी में जाके कंप्लेंट करनी है। मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं प्रदीप जी, मैं पूरा नोट बना के लाया था आपसे पूछने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस का, आपने सब का बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, आई थिंक सारी क्लैरिटी मिल गई होगी व्यूअर्स को। प्रदीप जी थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और सारी क्लैरिटी दे दी है इस वीडियो में व्यूअर्स को, आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा ये वाला वीडियो भी। आपको और क्या क्या जानना है मुझे कमेंट करके बताइएगा रियल स्टेट के बारे में, उन सारे टॉपिक्स में मैं प्रदीप जी से क्लैरिटी लेकर आप तक वो वीडियोस पहुंचा दूंगा। प्रदीप जी आपको अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ रह गया हो जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो और आपने वो क्लैरिटी नहीं दी है? देखिए प्रखर मैं तो यहाँ ही कहूंगा कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जी, और उसके बावजूद भी अगर और टॉपिक के बारे में जो हमारे लिसनर्स हैं वो जानना चाहें जी तो नीचे कमेंट में टॉपिक के ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उनपे अवेयरनेस करें, जो टॉपिक्स हैं उनको आपको और अच्छे ढंग से अवेयर करें। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टॉपिक के बारे में भी कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए, इस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए उसके बारे में बताइए, और लाइक और कमेंट्स आपको मैंडेटरी करने ही करने हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, आप कमेंट करते हैं तो ही मुझे पता चलता है कि अच्छा आपने देखा, आप मैसेज कर देते हैं मुझे कई बार व्हाट्सएप पे या कॉल कर देते हैं, बट कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में। एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो भी यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए कि उनको पूरी क्लैरिटी मिल जाए घर खरीदने से पहले, उनको कोई ठग ना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। जय भारत।